ये दूल्हा नंबर वन कूली नंबर वन कैसे बन गया, वो भी अपनी ही शादी में। उफ, अपनी शादी में फेरों से पहले जरा देखिए ऋषि ने ये क्या हाल बना रखा है। अरे ऋषि, कुछ लेते क्यों नहीं, मतलब किसी की मदद क्यों नहीं लेते? अरे घर में इतने सारे लोग और नौकर चाकर हैं, इस भारी कारपेट की वजह से आपको अपनी खूबसूरत शेरवानी खराब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो अंदर है कारपेट के वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब खास कर ऋषि के लिए, तो उसे वो मतलब छिपा के लेके जा रहे हैं सबसे। और पवन जी आ जाते हैं वहाँ पे हाथ बटाने, मतलब हाथ लगाने के लिए, जैसे ही वो हाथ लगाते हैं हमारी और हालत खराब हो जाती है। जी हाँ, इस कारपेट के अंदर है ऋषि की जिंदगी यानी की तनु, जिसे ऋषि इस घर से किडनैप करके ले जा रहा है। लेकिन भला कोई भी काम इतनी आसानी से होता है क्या? देखिए रास्ते में ऋषि की कितनी सारी रुकावटें आ रही हैं। जाहिर है दूल्हे को कारपेट उठाता देख किसी को भी अजीब लगेगा, क्यों है ना? वो एक्चुअली नया अंदाज है, हम इस बार कारपेट उठा के लेके जा रहे हैं, डोली नहीं लेके जा रहे हैं, हमने नया एक ट्रेंड सेट किया है, अब से लोग कारपेट ही लेके जाएंगे शादी में। लेकिन ऋषि ने किसी को भी ये कारपेट छूने नहीं दिया, इसे अमेरिका से आया महंगा गिफ्ट बताकर सबको इससे दूर रखा। लेकिन हद तो तब हो गई जब पवन ऋषि की मदद करने आया और इस कारपेट को गिरने से बचाया। कारपेट को हमारे लेके जा रहे हैं, इतना भी उतना नहीं तुम लोग, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। कमजोर हो गए भाई, उठाया भाई, बहुत भारी था, बट क्या ठीक है, स्ट्रेंथ शर्म नहीं आती क्या था इतना? मुझे क्या पता, तुमको पता यार, तुम लेके जा रहे थे, मैं तो बोलता था तुम्हारी हेल्प करने आ गया, मैंने बोला भारी, तुम्हें कैसे पता भारी था? तुमको मैंने भी तो उठाया था बीच में से, भारी लगा थोड़ा सा। तो क्या अब ऋषि का भांडा फूट जाएगा? क्या पवन को पता चल जाएगा कि तनु इसके अंदर है? अरे नहीं, अभी तो ऋषि और तनु की शादी होनी है, इसलिए तो एन मौके पर पंडित जी ने पवन को मंडप में बुला लिया। तो चलिए देखना यह है कि ऋषि यहाँ से निकलकर तनु से कब और कैसे शादी करता है। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक।